हेलो एवरीवन, इस मालपुआ को बनाने के लिए आपको ना तो घी की ज़्यादा ज़रूरत है ना ही तेल की। 1 से 1.5 चम्मच घी में या तेल में आप इसे पूरा मालपुआ बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितना जूसी है और कितना यमी, बहुत ही टेस्टी है ये मालपुआ। चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले 1 कप में यहाँ पर ले रही हूँ साबूदाना, छोटे कप से मैंने लिया है, और इसे रोस्ट कर लेंगे। साबूदाना को भून कर लेने से इसका पाउडर जो मिक्सी में तैयार होता है ना पीस कर, वो बहुत ही ईजिली तैयार हो जाता है, इसीलिए हम इसे रोस्ट कर रहे हैं। अगर साबूदाने को बिना भूने आप पीस कर इसे पतला फाइन पाउडर तैयार करना चाहेंगे तो आपको उसमें काफ़ी दिक्कत आएगी, कई बार आपको पीसना पड़ेगा उसे छान छान कर। इसे ठंडा करने के बाद हम इसे पीसेंगे। अब जिस कप से हमने साबूदाना 1 कप लिया है उसी कप से 1/2 कप हम लेंगे मूँगफली और इसे भी रोस्ट कर लेंगे। इसे भी हम इसलिए रोस्ट कर रहे हैं ताकि इसका भी पाउडर हमें तैयार करना है और ईजिली तैयार हो जाए, पाउडर से ऑयल ना छोड़े, इसीलिए इसे भूनना ज़रूरी है। ठंडा होने के बाद इसका छिलका निकालेंगे और उसके बाद इसे हम पीसेंगे। तो इन सबको पहले ठंडा होने देते हैं और तब तक हम चाशनी बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो जिस कप से हमने साबूदाना लिया है उसी कप से 1 कप चीनी लेंगे और 1 कप पानी इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसे चलाते रहेंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए जल्दी, और चीनी घुलने के बाद जस्ट इसमें एक उबाल आना है चाशनी में, ज़्यादा हमें चाशनी को पकाना नहीं है। एक उबाल आ जाए उसके बाद चाशनी हमारी तैयार हो जाएगी। तो उबाल आना शुरू हो गया है, अब इसमें हम डाल लेंगे इलायची की पाउडर थोड़ी सी। ये चाशनी हमारी तैयार है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ढक कर रख देते हैं। अब इसी में मैं मूँगफली भी डाल दूँगी क्योंकि थोड़ा सा मूँगफली है तो एक साथ ही पिस जाएगा। ये देखिए बहुत ही पतला हमारा बारीक तैयार हो गया है। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे इलायची की पाउडर थोड़ी सी। इसके बाद मैं ले रही हूँ इसमें थोड़ा सा बादाम का कतरन, आप इसमें अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ले सकते हहैं। और इसके बाद दही 3 से 4 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। अब दूध से इसे हमें घोलना है, इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा दूध इसमें ज़रूरत के अनुसार डालेंगे और इसे मिलाते जाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इतना गाढ़ा आपको इस पेस्ट को तैयार करना है, पतला नहीं रखना है। और अब चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। तो एक पैन लिया है हमने और उसमें बस ग्रीस कर लिया है घी से। शुरू में ही हमें ना तो इसमें घी डालना है ना ही ऑयल। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके इस पेस्ट को डालेंगे और ये देखिए ये एक मालपुए के शेप में आ गया। इसे हम ढक देंगे और गैस का फ्लेम रखेंगे बिल्कुल लो, और थोड़ी देर के बाद इसका कलर चेंज हो गया। देखिए ये बताता है कि नीचे से आपका मालपुआ अच्छे से सिक गया है। इसे पलट लेंगे, ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है ना। अब इसके ऊपर से आप घी लगा सकते हैं। आप पहले ही अगर घी ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो ये बैटर है वो तेल में जाने के बाद, घी में जाने के बाद फैलने लगेगा। तो दोनों तरफ से हम इसी तरीके से ढकते हुए सेक लेंगे। और अब हम चेक कर लेते हैं दूसरी तरफ भी पलट कर। ये देखिए इधर भी बहुत ही प्यारा कलर आ गया है, तो इधर भी अब हम घी ऊपर से लगा लेते हैं। इतने कम घी में आपका इतना टेस्टी मालपुआ बनकर तैयार हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ही टेस्टी बनता है ये मालपुआ और बहुत कम खर्चे में, नॉर्मल कभी भी बनाकर खाएं उतना ही लजीज बनता है। तो इसी तरीके से हम सभी पुए को रेडी कर लेंगे। याद रखें कि पहले अगर घी डालकर आप पुआ उसमें फ्राई करना चाहेंगे तो बैटर फैल सकता है। तो इसी मेथड से आप पुआ को पहले एक तरफ सेक लें, उसे पलट कर और फिर उसके ऊपर घी को लगाएं। इस तरीके से आपकी ये मालपुआ ही यमी बनेगी, बहुत ही टेस्टी। 1 से 1.5 चम्मच घी में आपने कभी भी मालपुआ बनाया है या सुना है, सभी मालपुआ के ऊपर हम इस तरीके से चम्मच से चाशनी को डालेंगे। आप ये मालपुआ बनाकर अगर किसी को खिलाएंगे तो आपकी तारीफ पक्की है, मेरी गारंटी। इसे कट करके दिखाती हूँ मैं, देखिए कितना यमी है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है ना, कमाल की रेसिपी। तो मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।